नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये बेबी बूटी लाई हूँ जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। ये साल भर के बच्चे के पैर में भी आसानी से हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हम 35 डिज़ाइनर स्टिच डालेंगे। डिज़ाइनर फंदे डालने की विधि मैंने पहले ही अपलोड कर ली है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने 35 डिज़ाइनर फंदे डाल लिए हैं और अब 8 सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे, सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा, दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए 8 सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 लाइन बुने जा चुके हैं और 4 उल्टे फंदों की धारियां सामने से भी और बैक साइड से भी बन गई हैं। तो अब ये हमारा 9th रो है और इसमें हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। यानी हमने जाली देते हुए 2 फंदों को एक किया है, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 फंदों का एक कर लेंगे। यहाँ पे हम बच्चे के डोरी डालने के लिए हम ये बना रहे हैं। ऊन अपनी ओर करेंगे, 2-2 फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और जाली देते हुए उन्हें 2 का एक कर देंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए इन्हें 2 का एक कर लेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरे फंदे बुन लेंगे। जाली देते हुए और 2 फंदों को एक साथ लेकर सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। 9th रो कंप्लीट हो गई है और 10th रो में हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डोरी डालने के लिए ये जाली पड़ चुका है और अब हम 12 फंदे सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पे हम अपने दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे और 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उतारेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उतारेंगे, 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उतारेंगे और 2 फंदा सीधा। इस तरह कुल हमने 11 फंदे बुन लिए और हम यहीं से पलट जाएंगे और बुने हुए फंदों को, यानी इन 11 फंदों को हमें बुनना है। बुने हुए फंदों को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते जाएंगे। तो 11 फंदे हम बुन लेंगे और फिर यहीं से हम मुड़ जाएंगे और फिर इन्हीं 11 फंदों को हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और फिर वापस रॉन्ग साइड से भी इन्हें उल्टा ही बुन लेंगे। अब हमें सिर्फ इन्हीं 11 फंदों को बुनना है। ये दोनों साइड के 12 फंदों को हम अभी छोड़ देंगे और फिर
अभी इस फंदे को, इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और यहाँ पे हम इन 11 फंदों के लिए हम दूसरा धागा लगाएंगे हरे रंग का, और वही हमको पैटर्न दोहराना है। दो फंदा सीधा बुनना है, अगला फंदा उतार लेना है, दो फंदा सीधा बुनना है, नेक्स्ट उतारना है, फिर दो फंदा सीधा, एक फंदा उतारेंगे और दो फंदा सीधा, और रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और उतारा हुआ फंदा उतारते जाएंगे। अब हमें सिर्फ इन्हीं 11 फंदों को बुनना है। और फिर सामने से सभी फंदे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, 4 लाइन का ये डिज़ाइन है। इन्हीं 4 लाइन को हमें ऊन बदलते जाना है और बुनते जाना है। और फिर हम अपना तीसरा कलर लगाएंगे। ये मैंने मल्टी कलर का एक स्वेटर अपलोड किया है, उसी का ये जूती है, उसी स्वेटर का ये जूती है, तो उसी डिज़ाइन को मैंने इसमें अप्लाई किया है। तो 4 लाइन का ये डिज़ाइन है और चारों इस डिज़ाइन को ऊन बदलते जाएंगे और हम इन 4 लाइनों को दोहराते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आमतौर पे हम ये एच के फंदे जो हैं उसे स्लिप कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्लिप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ साइड से हमें फंदे उठाने हैं, तो इसलिए हमें साइड के फंदे यानी एच फंदे जो है वो बुनने पड़ेंगे। तरह हमने 16 लाइन ये कंप्लीट किया है, 4-4 लाइन का डिज़ाइन है और 4 डिज़ाइन हमने डाला है, यानी कि 16 लाइन। और अब ये फंदा हमने, ये ऊन यहाँ पे हमने छोड़ा था, अब यहाँ से हम धागा ऐसे फंदे उठाना शुरू करेंगे और 12 फंदे उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 11 और ये 12 फंदे हमने उठा लिए हैं। और अब इन 11 फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे और अब इन दोनों धागों को काट लीजिए क्योंकि अब हमें बुनाई यहाँ से करनी है। अब ये बीच के 11 फंदे भी बुने जा चुके हैं, अब हमें इस साइड से भी 12 फंदे उठाने होंगे, तो चाहे तो हम ऐसे करें या फिर एक तीसरी सिलाई का भी मदद ले सकते हैं। 1, 2 के पास पास लेंगे हम, 3, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद ये साइड के 12 फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे, इसी में ऐड कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये सारी बुनाई हम 10 नंबर की सिलाई पे कर रहे हैं। और फिर यहाँ से हम अपने डिज़ाइन को वापस बनाएंगे। इस समय हमारे सिलाई में 59 फंदे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 4 लाइन का ये डिज़ाइन है और मैंने 5 डिज़ाइन बनाया है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 20 लाइन कंप्लीट किया है। और अब मुझे 4 लाइन उल्टा उल्टा बुनना होगा
और पांचवे लाइन पे हम इसे क्लोज कर लेंगे। तो चार लाइन और मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी और अब हम इसे क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने की यही विधि है, या तो दो फंदा लेके एक साथ ऐसे उल्टा बुनेंगे, या फिर एक फंदा ये हुआ अगला फंदा भी उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा लेंगे, या फिर इसको बाएं हाथ में की सिलाई में कर लेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। ऐसे ही करते हुए हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे उतर चुके हैं और अब हम इसे काट देंगे क्योंकि हमारे पास इधर सिलने के लिए ऊन है। अब हम इसे ऐसे उल्टा करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमको सिलाई करनी है। यहाँ से लेके फिर यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई हो चुकी है और अब हम इसको पलट देंगे। अब हमें बस इसमें डोरी डालना है। डोरी डालने बनाने की कई विधियां मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। सिलाई से डोरी बनाना, क्रोशिए से डोरी बनाना या लपेट की डोरी बनाना जैसे ये बनाया गया है, इस तरह की कई विधियां मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, जूता तैयार है। देखिए, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा जूता बनाइए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।